नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा आठवीं के गणित में पाठ 12 एक चरण वाले समीकरण का प्रश्न संग्रह 12.2 का जो आधा सवाल बाकी है वो करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 12.2 का जो बाकी सवाल है। छठवें सवाल में क्या दिया गया है, किसी एक नाटक गृह में नाटक के लिए 200 रुपए वाले तथा 100 रुपए वाले कुछ टिकट बेचे गए। मतलब यहाँ पे कितना टिकट दिया गया वो हमको नहीं बताया गया है, यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि 200 रुपए वाले कुछ टिकट हैं और 100 रुपए वाले कुछ टिकट हैं। तो 200 रुपए वाले टिकटों की संख्या 100 रुपए वाले टिकटों की संख्या से 20 अधिक है। मतलब यहाँ पे 100 रुपए वाली जितनी भी टिकट थी उससे 200 रुपए वाले टिकट की संख्या 20 अधिक है। यहाँ पे लिखोगे माना 100 रुपयों वाले टिकट की संख्या, 100 रुपए वाले टिकट की संख्या हम x मानते हैं तथा 200 रुपयों वाले टिकट संख्या क्या बोला गया है 20 अधिक है। मतलब यह हो जाएगा x प्लस 20। देखो क्या बोला गया, 200 रुपए वाले टिकटों की संख्या 100 रुपए वाले टिकटों की संख्या से 20 अधिक है। दोनों प्रकार के टिकटों की बिक्री से नाट्यगृह को 37,000 रुपए मिले हैं। मतलब यहाँ पे टिकट का मूल्य निकालना है। इसको ध्यान दो, 100 रुपए वाला अगर टिकट है, 5 टिकट बिका है तो ये कितना हो जाएगा, 500 रुपए हो जाता है। तो हमने क्या किया, जो टिकट की दर है और उसकी संख्या से हमने क्या क्या गुणा किया है ना। तो यहाँ पे टिकट की दर क्या दिया गया है 100 रुपया और उसकी संख्या कितनी दी गई x, मतलब इसका हमको यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे 100 रुपयों वाले टिकट की रकम क्या हो जाएगी, 100 में x का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 100x रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पे 200 रुपयों वाले टिकट की रकम ये कितना हो जाएगा, देखो x प्लस 20 में 200 से गुणा कर दोगे। जब ये 200 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 200 का गुणा किया x में और फिर 200 का गुणा करोगे 20 में, तो 200 का x में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 200x प्लस ये 200 का 20 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4,000 रुपया। अब क्या बोला गया, देखो दोनों प्रकार के टिकटों की बिक्री से नाट्य गृह को 37,000 रुपये मिले हैं। तो यहाँ पे देखो इसका और इसका ये दोनों का टोटल जो होगा वो 37,000 रुपया होगा। यहाँ पे लिखोगे प्रश्नानुसार, अब क्या करो, पहले 100 रुपये वाले का रकम लिखो 100x प्लस, अब 200 वाले का लिखो 200x प्लस, ये आ गया 4,000 बराबर ये आया 37,000। अब इसको हल कर लो, देखो 100x और 200x ये हो जाएगा 300x प्लस 4,000 बराबर 37,000। तो यह हो जाएगा 300x, ये प्लस 4,000 है तो सड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 4,000 हो जाएगा, 37,000 माइनस 4,000। तो इसको यहाँ पे लिख लो, क्या दिया गया, 300x बराबर 37,000 माइनस 4,000। 37,000 में से 4,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 33,000 आ जाएगा, इसलिए 300x बराबर 33,000। तो ये हो जाएगा x बराबर 300 से गुणा हो रहा है तो इस सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा और यहाँ पे आ गया 33,000। देखोगे ये दो जीरो, ये दो जीरो से कट गया, बचा क्या, 330 बटे
तीन, इसलिए x बराबर 330 बटे तीन, ये तीन से पहाड़े से कट जाए, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन जीरो जीरो, तो ये जाएगा x बराबर 110, ये आ गया। अब हमको प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखो 100 रुपए वाले टिकट कितने बिके हैं, यहाँ पे लिखा है ना 100 रुपए वाले टिकट की संख्या बराबर x, यहाँ पे x बराबर आ गया 10, यहाँ पे इसके उत्तर में आएगा 100 रुपए वाले 110 टिकट बिके। कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा 100 रुपए वाले टिकट की संख्या x और 200 रुपए वाले टिकट की संख्या बराबर x प्लस 20, क्योंकि यहाँ पे 20 अधिक है। अब यहाँ पे 100 रुपए वाले टिकट की रकम निकाल दो तो 100 में x का गुणा कर दिया तो 100x, और 200 रुपए वाले टिकट की रकम हो जाएगी x प्लस 20, इतना तो टिकट है और ये उसकी दर है, इसका गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद में ये आ गया। अब दोनों का टोटल होता है 37,000 रुपया, इसको हल कर लोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, क्या दिया गया सातवें प्रश्न में, तीन क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का 5 गुना सबसे बड़ी संख्या के 4 गुने से 9 अधिक है, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पे लिखोगे माना सबसे छोटी संख्या बराबर x, और क्या बोला गया, सबसे बड़ी बोला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, बीच वाली संख्या आ जाएगी, बीच वाली संख्या ये हो जाएगा x प्लस a, और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये क्या हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी। देखो सीरियली बनेगा ना ये। अब यहाँ पे क्या दिया गया, एक एक चीज पढ़ते हैं, देखो सबसे छोटी संख्या का 5 गुना, लिखो सबसे छोटी संख्या का 5 गुना किसके बराबर है, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या के 4 गुने से 9 अधिक है, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या का 5 गुना मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुणे सबसे छोटी संख्या x है, तो ये हो जाएगा 5x। अब क्या बोला गया, सबसे बड़ी संख्या के 4 गुने से 9 अधिक है, तो यहाँ पे लिखोगे सबसे बड़ी संख्या के 4 गुने से 9 अधिक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखो हमारे पास x प्लस 2 है, देखो हमने यहाँ पे लिखा है x प्लस 2, x प्लस 2 में 4 का गुणा करके 9 अधिक कर दो, तो अब यहाँ पे 4 का गुणा करो, देखो 4 का गुणा x में हो जाएगा और 4 का गुणा 2 में हो जाएगा, 4 का गुणा x में किया तो 4x प्लस 4 × 8 प्लस ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 9 × 8 17 हो जाएगा, ये आई दूसरी वाली संख्या। अब क्या बोला गया है, 9 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करो, मतलब ये दोनों जो है वो इसके बराबर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5x बराबर 4x प्लस 17, इसलिए 5x, अब 4x प्लस हो रहा है तो सट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बराबर 17, तो 5x माइनस 4x कितना होता है, x हो जाएगा बराबर 17, मतलब x का मान आ गया। अब हमको यह बताना है कि वह संख्या कौन सी है, यहाँ पे लिखोगे सबसे छोटी संख्या, हमने क्या माना था, x माना था, ये हो जाएगा x बराबर 17 आ गया। उसके बाद बीच वाली संख्या माना है, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या को क्या माना है, x प्लस 1 माना है, तो ये हो जाएगा 17 प्लस 1 बराबर 18। उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या माना है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या को क्या माना है,
एक्स प्लस दो माना हो जाएगा 17 प्लस 2, ये कितना हो गया 19। तो हमारा जो उत्तर में लिखोगे क्या लिखोगे, वह संख्या कौन सी है ना, यहाँ पे लिखोगे वह संख्या 17, 18, 19 है। हम लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ करके समझ करके कर सकते हैं। सबसे छोटी संख्या x, बीच वाली संख्या x प्लस 1, बड़ी संख्या x प्लस 2। अब क्या बोला गया, कंडीशन पढ़ो, सबसे छोटी संख्या का 5 गुना, छोटी संख्या x है तो x का 5 गुना 5x होता है, और सबसे बड़ी संख्या के 4 गुने से 9 अधिक है। सबसे बड़ी संख्या कितना है, x प्लस 2, उसके 4 गुने से 9 अधिक है। अब इसको हल कर लिया, ये 2 आ गई, ये वाला और ये वाला बराबर लिख दिया, और यहाँ पे बराबर लिखने के बाद में इसको हल कर दिया, तो x बराबर आ गया 17, तो सबसे छोटी संख्या 17, बीच वाली संख्या 18 और सबसे बड़ी संख्या 19 आ गई। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं, आठवें प्रश्न में क्या दिया गया, राजू ने एक साइकिल 8% लाभ लेकर अमित को बेची, अमित ने 54 रुपए खर्च करके उसे दुरुस्त कराई, उसी साइकिल को उसने निखिल को 1134 रुपए में बेची, अमित को इस व्यवहार में कोई लाभ या हानि नहीं हुई, तो राजू ने वह साइकिल कितने में खरीदी थी। तो सबसे पहले देखो, राजू ने साइकिल किसको बेचा है, राजू ने साइकिल बेचा अमित को। पहले इस तरीके से बना लो, कितने रुपए प्रॉफिट पे, 8% लाभ पे, तो राजू ने कितने का खरीदा है, यही तो हमको निकालना है। देखो राजू ने वह साइकिल कितने में खरीदी थी, राजू ने कितना खरीदा वो नहीं दिया गया, राजू ने अमित को 8% लाभ पर इसको बेच दिया है, और अमित भी बहुत चालू निकला। अमित ने किसको बेचा, अमित ने निखिल को बेचा। अमित ने क्या किया, जितने रुपए में साइकिल खरीदा था उसमें 54 रुपया और मिला दिया, मतलब इसको दुरुस्त करने का खर्च लग गया, और इसने निखिल को 1134 रुपए में बेचा। लेकिन यहाँ पे अमित को ना तो कोई लाभ हुआ है ना तो कोई हानि हुई, मतलब जितना रुपया ये था उतने ही रुपए में उसने निखिल को बेच दिया, 1134 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पे एक एक करते हैं, माना राजू ने वह साइकिल 100 रुपए में खरीदा, तो ये इसका क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य हो गया। अब हमको लाभ निकालना है, तो यहाँ पे लाभ का प्रतिशत दिया गया, लाभ कितना दिया गया है, 8%, इसलिए लाभ किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है, तो क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपया है, तो 100 रुपए का 8% हो जाएगा, 100 × 8/100, ये क्या आ रहा है, ये लाभ आ रहा है। अब इसको हल कर दो, देखोगे 4 के पार्ट में जाएगा तो 4 × 2 = 8 और ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 2 में x का गुणा किया तो 2x/25 रुपया, इसको क्या हो गया, लाभ मिलेगा। अब क्या कर रहा है, राजू ने अमित को साइकिल बेचा, राजू ने अमित को कितने रुपए में साइकिल बेचेगा, x + 2x/25 रुपए में, रुपयों में साइकिल बेचा। अब देखो राजू जो है, राजू जब अमित को साइकिल बेचेगा तो इसका जितना क्रय मूल्य था वो और लाभ, ये दो का दोनों लेगा ना, तो यहाँ पे देखो ये क्रय मूल्य और ये लाभ इतने रुपए में बेच रहा है, तो ये जाएगा x + 2x/25। अब पहले इसको हल कर लो, तो ये जाएगा 25 में x का गुणा किया तो 25x + 2x/25, मतलब ये हो गया 27x/25, इतने रुपयों में बेचा, कितने रुपयों में, इतने रुपयों में बेचा। ये किसका निकला, राजू ने अमित को इतने रुपए में बेचा, मतलब ये राजू ने अमित को इतने रुपए में बेच दिया, यहाँ पे उसको 8% का लाभ हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, अमित ने दुरुस्ती के लिए कितना दिया है, 54 रुपया, तो यहाँ पे लिखोगे अमित ने साइकिल को दुरुस्त
करने के लिए 54 रुपया दिया था। तो देखो अमित ने दुरुस्ती के लिए जब 54 रुपया दिया तो अमित ने खरीदा कितने में, इस पे है, यहाँ पे लिखोगे 27x/25 में 54 रुपया और जोड़ दोगे ना। ये 54 रुपया जब जोड़ोगे, इतना रुपया की लागत लगी, किसकी, अमित की लागत लगी है। और अमित ने क्या किया, ये लागत लगाने के बाद में उसको कितने रुपए में बेचा है, 1134 रुपए में अमित ने साइकिल 1134 रुपयों में बेची। देखो ये बराबर आ जाएगा, तो 27x/25 + 54 = 1134, इस तरीके का सवाल बनेगा। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 27x/25 = 1134। देखो ये प्लस हो रहा है तो सड़ जाएगा, तो माइनस कर दो, -54 हो जाएगा। ये -54 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1080, यहाँ पे हो जाएगा 27x/25। अब यहाँ पे ध्यान दोगे ये बटे हो रहा है 25, तो इस सड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 27x = 1080 × 25। अब यहाँ पे देखोगे 27 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इस सड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 1080 × 25/27। अब ये देखो कटता है क्या कहीं पे, ये हो जाएगा 27 × 4 = 108 और 0 आ गया। तो हमारे पास कितना आया है, x बराबर आया है 40 × 25। तो 40 × 25 कितना होता है, इसको हल करो, देखो 25 × 100 मतलब ये आ गया 1000 रुपया। तो यही x बराबर तो हमको निकालना था ना, राजू ने वह साइकिल 100 रुपए में खरीदा था। यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे राजू ने 1000 रुपए में साइकिल खरीदा, कुछ इस तरीके से इसका उत्तर आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राजू ने वह साइकिल 100 रुपए में खरीदा तो लाभ हमको दिया गया 8%, तो हम लोग शुद्ध लाभ निकालेंगे तो 100 रुपए का 8%, x का 8% हो जाता है 2x/25। अब राजू ने अमित को 100 रुपया प्लस ये क्या हो गया क्रय मूल्य और यह क्या हो गया लाभ, दोनों रुपये में बेचेगा साइकिल, तो इसको पहले हल कर लेंगे तो यह हो जाएगा 27x/25 रुपया। अब यहाँ पे अमित ने साइकिल को दुरुस्त करने के लिए इसमें 54 रुपया और दिया गया, मतलब ये जो आया है इसमें 54 रुपया और हम जोड़ेंगे। जब इसको 54 रुपया जोड़ेंगे तो अमित वही साइकिल 1134 रुपये में बेचा है, तो ये बराबर 1134 रुपया हो जाएगा। जब 1134 हो जाएगा तो इस तरीके से इसको हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 9वें प्रश्न में क्या दिया गया, किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने एक मैच में 180 रन बनाए, दूसरे मैच में उसने 257 रन बनाए, तीसरे मैच में उसने कुल कितने रन बनाए होंगे, मतलब यहाँ पे तीसरे रन का हमको निकालना है, तीसरे रन के लिए हमको एक्स दिया गया है, कितने रन बनाए होंगे कि उन मैचों में उसके रनों का औसत 230 हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे पहले मैच का रन दिया गया है 180 रन, उसके बाद में दूसरे मैच का भी दिया गया है, दूसरे मैच का रन, दूसरे मैच का रन कितना दिया गया 257 रन, और तीसरे मैच का निकालना है तो यहाँ पे लिखोगे तीसरे मैच का रन, ये कितना दिया गया यक्स रन दिया गया, मतलब ये निकालना है, यहाँ पे लिख लेना माना तीसरे मैच का रन यक्स है। अब क्या बोला गया, देखो उन मैचों में रनों का औसत 230 है, यहाँ पे लिखोगे मैच के रनों का औसत बराबर
तीनों मैचों के रन का योगफल, बटे में तीन आता है औसत, हम ऐसे ही निकालते हैं। यहाँ पे देखोगे औसत दिया गया हमको, कितना दिया गया 230 बराबर बटे में तीन आ जाएगा, और तीनों मैचों के रनों का योगफल, पहले मैच का है 180, दूसरे मैच का है 257, तीसरे मैच का यक्स है। अब हम इसको हल कर देते हैं। यहाँ पे देखो बटे में तीन है तो इस सट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गुड़े में तीन हो जाएगा, 230 गुड़े तीन बराबर 180 प्लस 257 प्लस एक्स, इस तरीके से आएगा। अब इसको यहाँ पे गुणा कर दो तो हो जाएगा 690 रन। देखो 230 में तीन का गुणा किया तो 690, अब इसको जोड़ दो हो जाएगा 7, 8 5 13, हासिल 1, हो जाएगा 2 1 3 1 4, 437 प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 437 से प्लस हो रहा है तो इस सट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 690 माइनस 437 बराबर एक्स, तो ये हो जाएगा 10 में से 7 गया 3, 8 में से 3 गया 5, और यहाँ पे आएगा 6 में से 4 गया 2, ये कितना आ गया एक्स बराबर 253। तो हमने यही निकाला है ना, तीसरे मैच का रन बराबर एक्स रन, तो हमको यही पूछा गया है। इसके उत्तर में लिखोगे तीसरे मैच में 253 रन बनाए होंगे, कुछ इस तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दसवें प्रश्न में क्या दिया है, सुधीर की आयु वीरू की आयु के तिगुने से 5 अधिक है, अनिल की आयु सुधीर की आयु की आधी है, सुधीर और वीरू की आयु का योगफल तथा अनिल की आयु के तिगुने का अनुपात 5:6 हो तो वीरू की आयु ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे हमको एक एक सवाल है, यहाँ पे तीन सवाल को एक साथ में दिया गया है, घबराना नहीं है, उसको अच्छे तरीके से करना है। देखो क्या दिया गया है, सुधीर की आयु वीरू की आयु के तिगुने से 5 अधिक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं माना कि वीरू की आयु, वीरू की आयु क्या बोला गया है, एक्स वर्ष, ठीक है। अब क्या बोला गया, सुधीर की आयु ना, यहाँ पे लिखो सुधीर की आयु, सुधीर की आयु क्या बोला गया है, वीरू की आयु के तीन गुने से 5 अधिक है। वीरू की आयु कितनी थी, यक्ष, यक्ष में तीन गुने से 5 अधिक है, ये कितना हो जाएगा, यक्ष में तीन का गुणा किया तो 3x प्लस 5 वर्ष। वीरू की आयु आ गई एक्स वर्ष और सुधीर की आयु आए 3x प्लस 5 वर्ष। अब क्या बोला गया, अनिल की आयु सुधीर की आयु की आधी है, अब यहाँ पे अनिल का लिखते हैं, अनिल की आयु जो है वो क्या है, सुधीर की आयु की आधी है। सुधीर की आयु कितना है, 3x प्लस 5 बटे में 2 हो जाएगा, आधा रहेगा तो बटे में 2 वर्ष आ जाएगा। अब क्या बोला गया है, सुधीर और वीरू की आयु का योगफल, यहां तक करते हैं, सुधीर और वीरू की आयु का योगफल, यहां पे लिखो सुधीर और वीरू की आयु का योगफल, मतलब क्या, दोनों की आयु को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो वीरू की आयु एक्स है और सुधीर का क्या है, 3x प्लस 5 है, अब इसको जोड़ दो तो ये ब्रैकेट ओपन करोगे, एक्स प्लस 3x प्लस 5, मतलब ये आ गया 4x प्लस 5 वर्ष। एक एक करके करोगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ये तो निकल गया ना, सुधीर और वीरू के आयु का योगफल निकल गया। अब क्या बोला गया है, अनिल की आयु के तीन गुने, तो अभी यहाँ पे अनिल की आयु का तीन गुना, यहाँ पे लिखोगे अनिल की आयु
के तिगुने। तिगुने का मतलब क्या हो गया, तीन गुना। अनिल की आयु क्या है, देखो यहाँ पे अनिल की आयु ये दिया गया क्या है, 3x+5/2। इसका क्या बोला गया है, इसका तीन गुना करना है, मतलब तीन में इसका गुणा करना है। का अनुपात 5:6 है, तो यहाँ पे देखोगे किसका अनुपात, देखो पहला ये वाला पकड़ना है सुधीर और वीरू की आयु का, तो ये लिखोगे 4x+5/2 आ जाएगा 3 × ये हो जाएगा 3x+5/2 का अनुपात दिया गया है 5:6। इस तरीके से आएगा, देखो सुधीर और वीरू के आयु का योगफल तथा अनिल के आयु के तिगुने का अनुपात जो होगा 5:6 होगा। अब इसको हल करते हैं, देखो पहले तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा करोगे तो कैसे आएगा ये 6×4x+5/5×3 और बड़े ब्रैकेट में आ जाएगा 3x+5/2। इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या हो रहा है, बटे में 2 हो रहा है ना, तो इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, गुड़े में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2×। बाकी वैसे लिख दो 6×4x+5 और यहाँ पे क्या आया 5×3=15, ये हो जाएगा 3x+5 ऐसा हो जाएगा। ये देखोगे ये क्या हो जाएगा 6×12, ये आ गया 4x+5/15 का गुणा इसमें किया और 15 का गुणा यहाँ पे किया, 15×3=45x+15×5=75। अब इसका भी ऐसे करो, 12 का गुणा इसमें करो और 12 का गुणा 5 में करो, तो यह जगह 12×48x+12×5=60/45x+75 हो जाएगा। एक्स एक्स वाला एक साइड में लो, 48x+45x है तो इधर आएगा -45x/75+60 है तो यहाँ पे आ जाएगा -60। अब इसको हल कर दो, 48 में से 45 गया तो ये हो जाएगा 3x, 75 में से 60 गया तो ये आएगा 15। तो यहाँ पे लिखोगे 3x/15, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 15/3, तो ये कटा यहाँ पे आ गया 5, तो ये हो जाएगा x=5। तो ये x=5 आया है। अब क्या पूछा गया है, वीरू की आयु ज्ञात करो, वीरू की आयु हमने x माना है, यहाँ पे उत्तर में लिखोगे वीरू की आयु 5 वर्ष है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वीरू की, सुधीर की और अनिल की, वीरू सुधीर और अनिल की आयु निकाल लेना है। अब कंडीशन में क्या बोला गया, सुधीर और वीरू की आयु का योगफल, तो सुधीर और वीरू की आयु का योगफल यहाँ पे निकल के 4x+5 और अनिल की आयु के 3 गुने। अनिल की आयु ये है 3x+5/2, देखो यहाँ पे है, उसमें 3 का गुणा कर दिया, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे अनुपात में। अब इसका तिर्यक गुणा करना है, तो 4x+5 का 6 में गुणा किया और ये पूरे का 5 में गुणा किया। अब इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया तो x=5 वर्ष आ गया। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 12.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 12.2 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।